नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस विच इज OHLC, राइट, ओपन हाई लो क्लोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट होता है और इससे हम कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं हमारे कस्टम स्क्रीनर के द्वारा, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। राइट, सबसे पहले जानेंगे कि OHLC क्या होता है। तो OHLC में क्या क्या चीज़ें होती हैं। OHLC में ओपन, हाई, लो और क्लोज, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल एक देखते हैं, एक डायग्राम। कभी भी स्टॉक प्राइस 9:15 का जो भी प्राइस होता है उसको कहते हैं ओपन, और 3:30 जब मार्केट खत्म होता है उसको बोलते हैं क्लोज। इस दौरान प्राइस कभी कभी ऊपर जाता है, ओपन से ऊपर जा सकता है, तो उस जो भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है, चाहे वो 10 बजे बज जाए, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी बन रहा है उसको बोलते हैं हाई, और जो भी लोएस्ट पॉइंट है किसी भी समय बन रहा है उसको बोलते हैं लो। राइट, तो ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसके बेसिस पे ही सारे टेक्निकल्स बनते हैं, चाहे पैटर्न्स हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए इसका जानना इतना जरूरी है जितना जरूरी जानना टेक्निकल एनालिसिस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्राइस इसका ओपन हो रहा है, जैसे ये 9:15 का प्राइस है और ये 3:30 का प्राइस है, तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, क्योंकि क्लोज ओपन से ऊपर है तो ये ग्रीन कैंडल होगा, यदि ओपन से नीचे क्लोज है तो ये होगा रेड कैंडल। और इस दौरान ये स्टॉक कभी ऊपर जा सकता है हाई या नीचे आ सकता है लो बनने के लिए। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न्स इनके बेसिस पे बनता है और बहुत सारे पैटर्न्स इनके बेसिस पे बनते हैं। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूडिमेंट्री जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप समझते हैं तो आगे समझना बहुत ईजी होगा। राइट, अब ये तो हुआ 4 पॉइंट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके साथ साथ और भी डेराइव फील्ड हो सकते हैं, जो हाई और लो रेंज, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस का डिफरेंस है इसको हाई लो रेंज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी रेंज है, जो ओपन और क्लोज के बीच का रेंज है उसको बॉडी रेंज कहते हैं। कुछ कैलकुलेशंस में आप इसको ओपन और हाई और क्लोज कभी कभी बहुत एक्सट्रीम पॉइंट में जा सकता है, तो कभी कभी नॉइस को कम करने के लिए आप ओपन प्लस क्लोज बाय 2 कर सकते हैं, हाई लो क्लोज बाय 3 कर सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज बाय 4 कर सकते हैं, अपर और लोअर विक, जो पॉइंट्स होता है, जो बॉडी से ऊपर का, जो बॉडी से ऊपर से हाई के बीच का जो होता है पोर्शन, इसको विक कहते हैं। ये अपर विक हुआ, ये लोअर विक हो गया, और इसका ट्रू रेंज होता है। ट्रू रेंज क्या है हम समझेंगे और अच्छे से थोड़ी देर बाद। राइट, तो सबसे पहले ओपन, हाई, लो, क्लोज। 9:15 जो चालू होता है ओपन, 3:30 जो खत्म होता है वह क्लोज। उस दिन में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ इस एग्जाम्पल में ये हाई, और इस एग्जाम्पल में जो भी लोएस्ट है वो लो। ये जानना और समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप टॉप स्टॉक रिसर्च में जा सकते हैं, टॉप स्टॉक रिसर्च के लर्न में जा सकते हैं। लर्न में आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, उसमें कैंडलस्टिक बेसिक, यहाँ पे उसको और अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ज़्यादा समय लिए बिना मैं आपको वापस वहीं लेके जाता हूँ, टॉप स्टॉक रिसर्च के। इसमें यदि कोई स्टॉक प्राइस खुलता है और उससे सीधा सीधा ऊपर की ओर ही जाता है, और सीधा ऊपर जाता है, और उसका जो क्लोज प्राइस है वो उसके हाई होता है, तो ये एक एक्सट्रीम बुलिश सिग्नल होता है। उसका मतलब ये होता है कि दिन भर मार्केट में ऊपर की ओर ही मार्केट जा रहा है, उसको बोलते हैं मारुबोजू, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसी प्रकार उसका ऑपोजिट, मार्केट जहाँ खुला वहाँ से सीधा नीचे जाता है और उसका जो लोएस्ट पॉइंट पे एंड होता है। इन्वर्टेड हैमर, मार्केट यहाँ खुल रहा है ऊपर, मार्केट यहाँ खुल रहा है, उसके बाद वो ऊपर गया और नीचे आके गया, तो ये जैसे हैमर हथौड़ा होता है वैसा दिखता है, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। उसी प्रकार बुलिश लॉन्ग लाइन, मार्केट में एक लॉन्ग कैंडल बन रहा है, खुला यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, और इसमें आपकी बॉडी बहुत बड़ी होगी, तो ओपन और क्लोज के बीच में गैप अच्छा होगा, तो उस दिन का उसका ट्रेंड बुलिश होगा। यदि आपका पोर्टफोलियो है तो ऐसे स्टॉक्स जो ग्रीन दिख रहे हैं उसमें आपका कल के कंपैरिजन में आज के डेट में आपका ज़्यादा वैल्यू होगी पोर्टफोलियो की, तो वो ग्रीन कैंडल हो गया। अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो रही है किसी स्टॉक में, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो वो रेड कैंडल होता है। तो बुलिश लॉन्ग लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, जानना अच्छा होता है। स्पिनिंग टॉप, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे है तो क्लियर कट बुलिश दिखा रहा है, यहाँ पे है तो बेरिश दिखा रहा है, ये बुलिश दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपका मार्केट यहाँ खुला या यहाँ खुला,
थोड़ा सा ऊपर, बहुत छोटी बॉडी बनी और ऊपर और नीचे गया। इसका मतलब यह है कि मार्केट को क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि बुलिश है या बेयरिश है। हालांकि ग्रीन और रेड हो सकते हैं इसमें, बट बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता कि ये बुलिश है या बेयरिश है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ मार्केट खुला और वहीं बंद हुआ, बट मार्केट नीचे काफ़ी नीचे आया और वहीं बंद हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो भी वीकनेस थी मार्केट की दिन की, वो वीकनेस खत्म हो गई और ये न्यूट्रल लेवल पे है। तो हालांकि ये डोजी है, जहाँ खुला वहाँ बंद हुआ, बट इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में और जानेंगे हम। डोजी, जहाँ मार्केट खुला वहीं बंद हुआ। इस केस में मार्केट यहाँ खुला, ऊपर गया, नीचे आया, वहीं बंद हुआ। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं पता चलता कि बुल्स हावी हैं या बुल्स बेयर्स हावी हैं, किसका डोमिनेंस है ये पता नहीं चल रहा। तो ये इसको डोजी कैंडल पैटर्न कहलाता है। और ग्रेवस्टोन डोजी, जहाँ पे खुला उससे काफ़ी ऊपर गया, तो ऐसा लग रहा था कि दिन में मार्केट में काफ़ी सारी अच्छी बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, बट वापस आके वहीं बंद हुआ। इसका मतलब ये ओवरऑल ये इनडिसाइसिव है, और इसमें ऊपर जो गया, जो मोमेंटम था वो पूरा लूज कर गया, मतलब इसमें जो अपस्ट्रीम है वो खत्म हो गई है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं जो OHLC से बन सकते हैं। इसके बारे में और जानना है अगर आपको, तो यहाँ पे देखेंगे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जो 1 candle, 2 candle, 3 candle, मल्टीपल कैंडल्स में बने हुए हैं पैटर्न्स। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सेशन कैंडलस्टिक का नहीं है, कैंडलस्टिक का एक हमारा सेपरेट सेशन है और स्क्रीनर्स हैं उसके, हम OHLC को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे यहाँ पे। तो किस टाइप के OHLC हो सकते हैं? OHLC हो सकता है रेगुलर, जो हमारा 9:15 खुला और 3:30 बंद हुआ, उसके बीच का जो है OHLC। और दूसरा एक और इसका वेरिएशन होता है, उसको बोलते हैं हकीनाशी। उसको देखेंगे अगर हमारे सॉफ्टवेयर में, TSR में, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो पैटर्न्स होते हैं बुलिश पैटर्न्स, ये प्योर OHLC में बनते हैं। और एक उसका वेरिएशन और होता है जो होता है हकीनाशी, जो इसी के समान दिखता है। जैसे एक चार्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे हकीनाशी भी काफ़ी सिमिलर दिखता है कैंडलस्टिक के, बट इसका ओपन लो क्लोज थोड़ा अलग होता है। उसके बारे में भी एक सेपरेट सेशन है हमारा, जिसके बारे में जानेंगे। बट यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम, सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे। ओके, अब OHLC क्यों, राइट? जब इतने सारे इंडिकेटर्स पैटर्न्स हैं तो OHLC क्यों? OHLC स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके बेसिस पूरा टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है, राइट? तो अगर आप इसका बेसिक समझ जाएंगे तो आगे समझना और इजी होगा। जब भी आप चार्ट देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, जैसे बुलिश है, बेयरिश है, मारुबोजू बन रहा है उसका, डोजी बन रहा है, उससे आपको जैसे साइकोलॉजी समझ में आ गई कि अगर लॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट में मोमेंटम अपवर्ड्स है, वैसे आपको काफ़ी कुछ समझने मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने देखा काफ़ी सिंपल है, थोड़ा डिबेटेबल है कि सिंपल है कि नहीं, उसके बारे में भी जानेंगे हम। फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। और जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो प्रॉब्लम आता है कि जैसे मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, तो 50 दिन पहले का जो मूविंग एवरेज है वो भी आज आप इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पे पिछला कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये इसमें कोई भी लैग नहीं है, एकदम समय के साथ चल रहा है ये, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसलिए OHLC को काफ़ी यूज़ करते हैं। ओके, OHLC स्क्रीनर्स, अब देखते हैं ये OHLC स्क्रीनर्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया हमने, अब हम इसको रियल वर्ल्ड में जाते हैं, कैसा होता है OHLC स्क्रीनर। तो हम जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, होम पेज पे आप टॉप स्टॉक रिसर्च पे आए, लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टम स्क्रीनर है, कस्टम स्क्रीनर जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है प्राइस एक्शन में, पहला OHLC है। तो अगर आपको देखना है कि आज कौन सा स्टॉक कल के स्टॉक से ऊपर गया है, तो आप यहाँ कर सकते हैं लेटेस्ट क्लोज इज अबव प्रीवियस डे क्लोज करते हैं ये, तो यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो पिछले दिन के कंपैरिजन में ग्रो किया है, राइट? एक अच्छा साइन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे जो कैंडल्स हैं ये पिछले दिन के क्लोज से ऊपर जा रहे हैं, पिछले दिन के क्लोज से सारे ऊपर जा रहे हैं, राइट? अगर इसको लाइन करके देखते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइन ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, यहाँ क्लोज था, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके क्लोज ऊपर गया, राइट? तो ऐसे क्लोज पिछले दिन से ऊपर जा रहा है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। यदि आपको चाहिए कि ये क्लोज पिछले दिन के क्लोज से कम 1% ज़्यादा हो या 2% ज़्यादा मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 2% पे देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो पिछले दिन के क्लोज से 2% कम से कम ऊपर जा रहे हैं। तो इसी से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है कि पिछले पीरियड से क्लोज से ऊपर जा रहा है, राइट? यदि आपको ग्रीन कैंडल चाहिए इसमें, तो आपका लेटेस्ट डे क्लोज लेटेस्ट डे के ओपन से ऊपर हो,
तो यहाँ पे आपको बड़े ग्रीन कैंडल्स मिलेंगे, राइट। पहली चीज ग्रीन मिलेगा क्योंकि आपका क्लोज ओपन से ऊपर है, यहाँ पे देखते हैं क्लोज ओपन से ऊपर है। दूसरी बात जो हमने दूसरी कंडीशन जो लगाया, दूसरा एक एडिशनल कंडीशन लगाया कि कम से कम 2% ऊपर हो, तो ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसके बड़े ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं लगातार, राइट। बड़े ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं, बड़े ग्रीन कैंडल कम से कम 2% ऊपर गया है अपने ओपन से, जो एक अच्छा सिग्नल इंडिकेट करता है, राइट। तो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहला कंडीशन था अबव। सिमिलरली अगर इसको रिवर्स करते हैं तो आपको बड़े इसके बड़े रेड कैंडल्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे बड़े रेड कैंडल्स मिल रहे हैं आपको, बड़े रेड कैंडल्स मिल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट करते हैं या फिर पोजीशन में देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कब आपको एग्जिट करना है, तो रेड कैंडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे बड़े रेड कैंडल्स मिल जाएंगे इसमें। तीसरा कंडीशन है ग्रेटर और इक्वल टू, वो इसके समान होता है अबव। लेस देन और इक्वल टू एक कंडीशन है, इक्वल्स एक कंडीशन है। इक्वल्स कंडीशन कहाँ आता है? इक्वल्स कंडीशन आता है जैसे कि अगर आपको मारुबोजू बनाना है, राइट, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका ओपन इज इक्वल टू लो, राइट। तो यहाँ पे वो कैंडल मिलेंगे जहाँ पे ओपन और लो सेम है, मतलब जहाँ खुला वो लोएस्ट पॉइंट था दिन का, उसके बाद मार्केट केवल ऊपर की ओर ही गया है और ऊपर की ओर जाके बंद हुआ। तो देखते हैं ऐसे कोई स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं क्या इस दिन। तो आज के दिन में आपके पास 26 स्टॉक्स हैं जहाँ पे ओपन और जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर ही गया, उससे नीचे कभी नहीं गया प्राइस, राइट। तो एक अच्छा बुलिश सिग्नल वो करता है और एक अच्छा खासा पैटर्न भी है ये, वेयर ओपन इज इक्वल टू लो, जो एक इंट्राडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। ओपन इज इक्वल टू लो आप इसमें चूज कर सकते हैं। यदि आप इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं कि क्लोज इज इक्वल टू हाई, एक कंडीशन और ऐड कर दीजिए वेयर क्लोज इज इक्वल टू लेटेस्ट हाई, तो ये आपका मारुबोजू पैटर्न बन जाता है। इस समय एक भी नहीं है, किसी और टिक में देखते हैं, डेली पे नहीं है कुछ, शायद वीकली में मिल जाए, वीकली में भी नहीं है इस समय। टू आवर्स के टिक पे, वन आवर के टिक पे इस समय नहीं मिल रहा है मारुबोजू, थोड़ा रेयर पैटर्न है, बट उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि ओपन इज इक्वल टू लो, और सॉरी मेरा गलती था यहाँ पे, राइट, क्लोज इज इक्वल टू हाई। इसको डेली में देखते हैं, शायद मिलेगा कुछ, नहीं डेली में नहीं है, वीकली में भी नहीं, शायद वन आर में मिल गया एक, राइट। तो इसमें मारुबोजू पैटर्न बन गया जहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई, हाई इज इक्वल टू क्लोज और वॉट एवर, राइट। तो इसमें मारुबोजू पैटर्न बन गया। तो साथ साथ ये देख रहे हैं कि साथ में जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन है, इसमें हम जो शुरू के जो इंडिकेटर्स देखे थे यहाँ पे, राइट, शुरू के जो पैटर्न्स देखे थे हमारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में, उसमें एक ये था मारुबोजू पैटर्न था यहाँ पे, राइट, मारुबोजू था। उसी प्रकार अगर इसको अपोजिट करेंगे तो ये बन जाएगा पैटर्न। यदि आपको चाहिए कि ओपन इज इक्वल टू ओपन, जैसे आपको डोजी बनाना है तो डोजी में शायद कोई पैटर्न मिल जाएगा, राइट। डोजी में अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, और दूसरा कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, अगर कोई स्टॉक निकल के आता है तो ये आपका डोजी पैटर्न आ जाएगा। जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स में आप देखेंगे तो ये डोजी पैटर्न बना, राइट, ये डोजी पैटर्न बना। इसी में और थोड़ा वेरिएशन डाल देंगे तो आपका ग्रेवस्टोन डोजी, जैसे ये है आपका ये आपका ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। ऐसे अलग अलग पैटर्न्स आप इसी से बना सकते हैं कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन और एक ऐड कर देंगे आप अगर यहाँ पे कि ओपन इज इक्वल टू लो, तो आपको दूसरे पैटर्न्स और इसमें एडिशनल पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये पैटर्न है आपका, राइट। तो आपको ऐसे अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे आप ऐड करना चाहें उतना, सॉरी यहाँ पे कंडीशन गलत थी, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा, राइट। तो पावरफुल टूल है जिसको आप यूज करके आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा अबव देख लिया, बिलो देख लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू देख लिया, इक्वल्स देख लिया, बिटवीन देख, बिटवीन यूज कर सकते हैं आप, और विदिन, राइट। अगर आपको चाहिए कि दो कैंडल आप यूज कर रहे हैं, आज का और कल का, ओके, रीसेट करते हैं इसको। आज का जो आपका ओपन है, ओके, आज का जो ओपन है पिछले डे के बॉडी के बीच में होना चाहिए,
तो आज का डेट का ओपन इज बिटवीन और सॉरी इज अबव पिछले डे का लो, और एक और कंडीशन ऐड कर दीजिए, आज के डेट का ओपन पिछले डेट के हाई से बिलो। ओके, इसका मतलब आज का जो ओपन हो रहा है पिछले डे के बॉडी के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पे देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे आएंगे जिसका ओपनिंग प्राइस पिछले डे के बॉडी के बीच में है। इसका ओपनिंग प्राइस यहां पे ओपन हुआ पिछले डे के बॉडी के बीच में है, यहां ओपन प्राइस पिछले डे के बॉडी के बीच में है, राइट? तो ऐसे कंडीशंस आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। विद इन चाहिए तो अगर आपको चाहिए कि आज का ओपन और कल के ओपन के बीच में बहुत कम गैप हो तो यहां पे आप ये कर सकते हैं, आज के डेट का ओपन और पिछले डे के ओपन ओपन के बीच में जो गैप है वो विद इन लेट्स से 0.1% हो, तो दो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे डे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे वाले कैंडल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो दोनों कैंडल लगभग सेम टाइम पे चालू हो रहे हैं, राइट? ओपन का जो टाइम है दोनों का लगभग सेम है, उसके बाद मूवमेंट कैसा है वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे ये और ये ओपन सेम लेवल पे ओपन हो रहा है। तो अगर आप लोग के लिए नया है तो कोई बात नहीं, ये सब अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे बहुत कुछ समझ में आता है चार्ट्स के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साथ रहिए इसमें। ओके, फिर है ऑफ मोर देन। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जैसे स्टॉक है आज पिछले दूसरे पॉइंट से कितना दूर है वो चाहिए, जैसे विद इन है तो उस रेंज में चाहिए, ऑफ मोर देन है तो आपको बड़ा चाहिए रेंज। जैसे इसको चेंज करके ऑफ मोर देन करते हैं, ऑफ मोर देन 2% करते हैं सपोज, तो कल का डेट और आज के डेट का ओपन में काफ़ी बड़ा गैप मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे दोनों दिन के ओपन में काफ़ी बड़ा गैप है, ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ये ओपन हुआ, दूसरा यहाँ ओपन हुआ, राइट? तो गैप आपको मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये इंडिविजुअली काफ़ी नहीं है आपके लिए पैटर्न बनाने का, जो पैटर्न्स हम देखेंगे उसके बारे में, ये यहाँ ओपन हुआ, ये यहाँ ओपन हुआ, तो दोनों के बीच में गैप कम से कम 2% का है दो दिन के ओपनिंग में। वो भी एक अच्छा सिंबल है यूज़ करने के लिए कि मार्केट में कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम है, राइट? वो ढूंढने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है रेशो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बड़ा कैंडल चाहिए, और जैसे कि इसको रीसेट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा कैंडल चाहिए चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जाएंगे रेशो और यहाँ पे चूज़ करेंगे इसका बॉडी रेंज। ओके, बॉडी रेंज चूज़ करेंगे रेशो ग्रेटर देन लेट से यहाँ पे क्लोज पे लेट से 3% करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स ही मिलेंगे सिर्फ, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो। 3 थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, 2% करते हैं। 2% में आपके आनंद राठी और DCM ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी बॉडी वाले मिलेंगे। तो आज की जो बॉडी है काफ़ी बड़ी है, राइट? ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो होता है, आज की बॉडी काफ़ी बड़ी है। यदि आपको केवल बड़ी बॉडी चाहिए, इसका थोड़ा सा स्कोप और कम करते हैं, 1.5% करते हैं, और आपको केवल ग्रीन बॉडी चाहिए तो क्लोज ग्रेटर देन ओपन ऑफ लेटेस्ट। सो यहाँ पे लेटेस्ट मतलब आज की डेट का आपका क्लोज ओपन से ज़्यादा है और कम से कम इसकी बॉडी बड़ी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, आनंद राठी जिसका बड़ा ग्रीन कैंडल दिखेगा आपको, दूसरा BEL इसमें बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, और तीसरा फिनपाइप इसमें बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो ऐसे आप ये जो इस टूल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे आपको बताया बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी के बेसिस पे सारे पैटर्न्स बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझने के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पेस ठीक है, अगर लगता है फास्ट और स्लो है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मगर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपको कैंडल की अच्छी समझ में आती है, OHLC की अच्छी समझ में आती है, तो आप थोड़ा बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेशो बिलो। तो यदि आपको बहुत छोटा बॉडी चाहिए, इसमें सेम चीज़ में आपको बॉडी चाहिए रेशो बिलो बिलो लेट से 0.1% लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसमें आपको बहुत छोटी बॉडी वाले मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी बॉडीज बहुत छोटी छोटी बॉडी वाले मिलेंगे आपको, राइट? बॉडी बहुत छोटी है सारे, तो
यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी बहुत छोटी है। यदि आपको बोरिंग कैंडल बनाना है तो वो आपके लिए एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अभी तक हमने देखा है ओपन, हाई, ओपन और क्लोज ही देखा है ज़्यादातर, और बॉडी रेंज देखा है हमने। आगे और बाकी चीज़ें उसके बारे में भी समझेंगे हम। ओके, सो देखेंगे आपको हिस्टोरिकल डीप कंपेयर करना है। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कोई चीज़ आपका दूसरी फील्ड के साथ सेम डे पे कंपेयर करना है, तो उसका हमने एक एग्जांपल लिया ही है, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपको चाहिए कोई भी चीज़ अपने क्लोज, अगर अपने ही हाई से कम 2% ऊपर हो, अपने क्लोज अपने ही ओपन से कम या अपने लो से 2% ऊपर हो, जो भी लोएस्ट लेवल है उससे कम से कम 2% ऊपर क्लोज हो रहा है, ये भी एक अच्छा बुलिश इंडिकेटर होगा, राइट। तो यहाँ देखेंगे स्टॉक्स, तो वो स्टॉक्स निकलेंगे जो अपने लो से कम 2% ऊपर गया है। जेएसएफसी देखेंगे तो अपने लो से कम 2% ऊपर गया है, राइट। ये थोड़ा हैमर टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपका, ये अच्छा। देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, ओपन हुआ उसके बाद बहुत नीचे गया, उसके बाद सारा जो सप्लाई थी एग्जॉस्ट हो गई और वापस यहाँ हुआ। तो नेक्स्ट डे ऐसी चीज़ें जो है हैमर टाइप का पैटर्न बनाइए, बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न होता है। हालांकि सब चीज़ रेड रेड दिख रहा है आपको, नीचे गया, बट यहाँ पे जितना भी आपका सप्लाई था सब एग्जॉस्ट हो गया ऐसा लग रहा है, और नेक्स्ट डे ये ऊपर जाने के इसके चांसेस अच्छे होते हैं। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे थोड़े थोड़े पैटर्न्स का, जो भी पैटर्न्स बनते हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको चाहिए ज़्यादा डिटेल्स, तो जैसे कि यहाँ पे है हमारे सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो हैं, चाहे वो बियरिश पैटर्न हो, चाहे बुलिश पैटर्न हो, चाहे वन डे पैटर्न हो, ये सारे पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में है, कौन से पैटर्न कितने रिलायबल हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बेसिक आइडिया है यहाँ पे। ऑलराइट, कंपेयर विथ अनदर डेट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि अगर आपको कंपेयर करना है आज का लो कल के लो से कम 2% कल के क्लोज से कम से कम लो से ऊपर हो, राइट। और एक और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है प्रीवियस, मतलब पिछला जो भी टिक है, जैसे हमारा 1 आवर चल रहा है तो 1 आवर का टिक है, अगर डेली करते हैं तो डेली टिक आएगा, तो प्रीवियस वाला उसके प्रीवियस से कम ऊपर हो। और एक और ऐड करते हैं P-2 इज ग्रेटर देन P-3, इसको हम डेली लेके जाते हैं क्योंकि डेली समझना थोड़ा सा ईजी होता है, राइट। तो पिछले 3 दिन से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार ऊपर जा रहे हैं, अब देखेंगे तो यहाँ 20 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो लगातार ऊपर जा रहा है, अब देखेंगे यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहा है, राइट। पिछले 3 दिन से, सॉरी इसको क्या हो गया, ओके यहाँ ये गलती हुई, क्लोज ओके। सो लेटेस्ट क्लोज, पिछले क्लोज से ऊपर हो, प्रीवियस क्लोज से ऊपर हो, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये लगातार ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो अगर आपको, और साथ में यहाँ पे अगर वॉल्यूम को भी पार्टिसिपेशन होता है तो आपको लगेगा कि स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, साथ साथ मार्केट का पार्टिसिपेशन भी है, जो एक अच्छा बुलिश सिग्नल होता है, राइट। ये लगातार ऊपर जा रहा है। अगर आपने RBR का देखा है तो ये देखिए रैली बेस रैली आ गया है यहाँ पे, राइट। ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको दिखने मिलेंगे यहाँ पे लगातार। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये भी रैली और थोड़ा सा बोरिंग कैंडल्स है, फिर रैली बना, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन टाइप का यहाँ बन रहा है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ अच्छे मूवमेंट के बाद बेसिक कंसोलिडेशन हो गया। अगर आप फ्लैग देखते हैं तो फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, और फिर ये ऊपर गया यहाँ पे, राइट। कंपेयर विथ अनदर डेट कर लिया हमने, फिर कंपेयर विथ अनदर टाइप। आपको यहाँ पे जो कर रहे हैं हम लोग, सपोज इसको हम लेटेस्ट क्लोज इज अबव प्रीवियस हाई चाहिए, राइट। तो ऐसा चाहिए कि प्रीवियस हाई से भी ऊपर लेटेस्ट क्लोज हो, वो देखना है आपको। तो आप इसको प्रीवियस के साथ अलग फील्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे आ रहा है लेटेस्ट क्लोज जो है वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर है, लेटेस्ट नहीं सॉरी इसमें क्या गलती हुई है, प्रीवियस हाई, लेटेस्ट क्लोज प्रीवियस हाई से भी ऊपर है। तो यहां देखेंगे तो लेटेस्ट क्लोज जो हो रहा है वो प्रीवियस हाई से ऊपर हो रहा है। ये प्रीवियस हाई था उससे ऊपर क्लोज हो रहा है। AB कैपिटल देखेंगे तो लेटेस्ट प्रीवियस हाई यहाँ था उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। ऑल कार्गो
सेम चीज़ प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है। तो अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं तो आप अच्छे अच्छे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको प्रीवियस के काफ़ी सारे डेज तक कंपेयर कर सकते हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, ओके। फिर OHLC स्क्रीनर आप कैसे बना सकते हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न बना सकते हैं। सिंगल कैंडल पैटर्न क्या होता है, जैसे कि लेटेस्ट क्लोज से लेटेस्ट ओपन, अगर ऊपर है कम से कम 2% जैसे ऊपर है तो आप यहाँ पे सिंगल बुलिश कैंडल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल बुलिश कैंडल क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार डोजी चाहिए, डोजी का एग्जांपल हमने बना के देखा ही एक बार, ओपन इज इक्वल टू लो वो भी देखा, बट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है ये, इसलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओपन इज इक्वल टू लो इज इक्वल टू ओपन, अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये स्टॉक्स निकल के आएंगे, जहाँ पे खुला मार्केट वहाँ से ऊपर ही गया है, मतलब वो जो भी ओपनिंग प्राइस था उससे नीचे कभी नहीं गया मार्केट, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ ओपन इज इक्वल टू हाई बेरिश पैटर्न होता है। लॉन्ग वाइट कैंडल चाहिए अगर आपको तो ये भी हमने बनाया था एक बार, बट फिर से बनाते हैं। इसका क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन बाई एटलीस्ट 2%, ओके। तो यहाँ पे लॉन्ग वाइट कैंडल मिल जाएगा, मतलब बड़ा ग्रीन कैंडल मिल जाएगा आपको, बड़ा ग्रीन कैंडल मिल जाएगा। तो टूल का एडवांटेज ये है कि आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो यहाँ पे 3% कर दीजिए, शायद कोई स्टॉक्स निकल के आएंगे। ये आ गया स्टॉक्स 361, तो यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल मिल जाएंगे। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। बड़े ग्रीन कैंडल मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज कैंडल। यदि आपको चाहिए कि उसका अभी हम जो देख रहे थे वो ये था कि बॉडी बड़ी है, यदि आपको चाहिए कि हाई ग्रेटर देन लेटेस्ट क्लोज लेटेस्ट लो बाई एटलीस्ट लेट्स से 4%, थोड़ा एम्बिशियस होते हैं और बड़ा कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको बहुत बड़े रेंज वाले कैंडल मिल रहे हैं, बड़े रेंज वाले यहाँ से यहाँ तक हाई और लो का रेंज देख रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। इसी के साथ साथ अगर जैसे यहाँ पे आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आपको बड़ा ग्रीन कैंडल भी चाहिए, तो यहाँ पे साथ में बॉडी भी बना सकते हैं, आप बॉडी भी ऐड कर सकते हैं एक और कंपैरिजन में, जैसे कि हमने प्रीवियस में ऐड किया था, ओके। तो ये हुआ बेसिक कैंडल्स के बारे में। अब टू कैंडल पैटर्न चाहिए आपको, गैप अप एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट स्क्रीनर भी है यहाँ गैप स्ट्रैटेजीज का, मगर आपको गैप अपने हिसाब से बनाना है तो इसको रीसेट करते हैं, क्लीन स्लेट। यहाँ पे गैप अप लेटेस्ट क्लोज इज और लेटेस्ट लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको गैप अप वाले कैंडल्स मिल रहे हैं, राइट, बहुत आसानी से। साथ में आपको परसेंटेज चाहिए यहाँ पे, सपोज आपको ऐसा बहुत ही विजिबली गैप चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1% डाल दीजिए, 2% डाल दीजिए, जितना आपको गैप चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े गैप वाले मिल जाएंगे। ये देखिए गैप यहाँ से यहाँ तक का गैप मिल रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ तक बड़ा गैप के साथ मिल रहा है। तो आप इसको दो कैंडल पैटर्न्स में ये बना सकते हैं, एनगल्फिंग बना सकते हैं। एनगल्फिंग क्या पैटर्न होता है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ टू डे पैटर्न्स एनगल्फिंग, ये एनगल्फिंग हुई जहाँ पे सेकेंड डे की जो बॉडी है पहले डे की बॉडी से कम्प्लीटली उससे नीचे खुली है और उससे ऊपर बंद हुई है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग एक बार, यहाँ पे कैसे बनता है ये, इसको रीसेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से, ओके। लेटेस्ट डे क्लोज इज अबव प्रीवियस डे ओपन, फिर लेटेस्ट डे क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोज, फिर ये दो कंडीशन हुई जिससे कि लेटेस्ट डे का जो क्लोज है प्रीवियस डे के ओपन और क्लोज दोनों से ऊपर हो। फिर थर्ड कंडीशन, लेटेस्ट डे क्लोज इज बिलो प्रीवियस डे क्लोज, एक कंडीशन और आएगी, लेटेस्ट डे क्लोज इज बिलो, यहाँ पे हमने कर दिया है क्लोज, तो यहाँ पे ओपन आएगा, इससे आपकी एनगल्फिंग बन गई, ओके। एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, शायद कंडीशन में कुछ गलती है,
लेट अस स्टे क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, ये कंडीशन ठीक है यहाँ तक। फिर लेटेस्ट डे क्लोज इज बिलो प्रीवियस डे क्लोज, लेटेस्ट डे क्लोज इज बिलो प्रीवियस डे ओपन, कंडीशन ठीक है। ओके डेली में नहीं मिल रहा, वीकली में देखते हैं, वीकली में नहीं आ रहा, एक घंटा। ओके चेक कंडीशंस। ओके सो लेटेस्ट डे क्लोज इज अबव प्रीवियस डे ओपन, लेटेस्ट डे क्लोज इज इक्वल टू ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोज। ओके सो कभी कभी हम बनाते हैं और हम कभी कभी अटक जाते हैं इसमें, राइट right? उसके लिए क्या होगा, आपने जब सेटिंग्स करके रखी है एक एक करके इसको पॉज कर सकते हैं और फिर से रन कर सकते हैं, देखेंगे कि सेटिंग्स में कहाँ है। तो लेटेस्ट डे जो क्लोज है प्रीवियस डे के ओपन और क्लोज से ऊपर हो, जो पिछले डे बॉडी से ऊपर चल रही है, ये कंडीशन ठीक है। तीसरी कंडीशन अब ऐड करते हैं, एक और एनेबल करते हैं इसमें, रन करते हैं। ओके तो इस कंडीशन में थर्ड कंडीशन में लेटेस्ट डे क्लोज और लेटेस्ट डे ओपन, सॉरी यहाँ पे एक कंडीशन गड़बड़ हुई और ये ओपन। ओके अब आ जाएगा, इसको एनेबल करते हैं। तो ऐसे आप खुद भी ट्रबल शूट कर सकते हैं, जो भी आपको पूरा डिलीट करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी रिकॉर्ड सही रिजल्ट नहीं आ रहा उसको पॉज करके फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एंगल्फिंग वाले मिल जाएंगे पैटर्न्स, राइट। यहाँ एंगल्फिंग मिल गई, यहाँ पे एंगल्फिंग मिल गई। अब ये एंगल्फिंग का एडवांटेज ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से खुद डिफाइन कर सकते हैं और जितनी अच्छी एंगल्फिंग लगती है आपको उतना अच्छा आप बना सकते हैं। बॉडी रेंज भी बड़ी चाहिए प्रीवियस डे की या लेटेस्ट बॉडी रेंज बड़ी चाहिए, तो इस कंडीशन में अगर एक कंडीशन और ऐड करते हैं हम कि लेटेस्ट की जो बॉडी रेंज है वो बड़ी होनी चाहिए, राइट। लेटेस्ट डे क्लोज लेटेस्ट डे ओपन से कम 2% ऊपर हो, शायद रिकॉर्ड्स आएंगे शायद नहीं आएंगे, 2 ज़्यादा हो गया, 1% करते हैं। यहाँ पे आ गया एल्कलाइन एमिन, राइट ये देखेंगे तो ये आपका बड़ा एंगल्फिंग वाला मिल रहा है कैंडल। तो इस हिसाब से आप अपने खुद के कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कस्टमाइज कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। प्राइस गेनर विथ वॉल्यूम, सपोज आपको ऐसा कुछ चाहिए कि प्राइस गेन हो रहा है कम से कम 2%, कम से कम 2% गेन हो रहा है, और साथ में इसमें आपको दूसरा कंडीशन और चाहिए, पिछले दिन से 2% गेन हो रहा है और साथ में वॉल्यूम भी चाहिए आपको, कम से कम डबल वॉल्यूम हो पिछले से, बहुत अच्छा पैटर्न है, सिंपल है पैटर्न लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, 2% शायद ज़्यादा है, इसको 1% करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। तो प्राइस गेन किया और वॉल्यूम भी पिछले दिन से ज़्यादा है। तो ऐसे आप OHLC जनरली वी के साथ भी जाते हैं, OHLC यूज़ करते हैं, कुछ OHLC वी यूज़ करते हैं, वेयर वी इज़ वॉल्यूम, राइट, कितना मार्केट का पार्टिसिपेशन है, रिसेट करते हैं। फिर किकर पैटर्न क्या होता है, इस इतने डेप्थ में जाने से सेशन बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, हमने एक सेपरेट कैंडलस्टिक का सेशन बनाया हुआ है, अदरवाइज आपको जानना है किकर क्या होता है, तो यहाँ पे किकर दिखेगा आपको। किकर पैटर्न ऐसा होता है, बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न होता है या बेरिश किकर भी होता है, बेरिश पैटर्न होता है, वो आप खुद बना सकते हैं। अब मेरे ख्याल से बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने सीख लिया है तो इसको भी बना सकते हैं आप किकर को। फिर नेक्स्ट है मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे ट्रेंडिंग कैंडल चाहिए आपको, तो आप ये देखेंगे कि अगर ट्रेंडिंग आज का दिन पिछले दिन से, हमने एक बनाया हुआ है ट्रेंडिंग कि 3 दिन से क्लोज लगातार ऊपर जा रहा है, तो वो आपका बन सकता है। उसी में साथ में 3 कंडीशन और ऐड कर दीजिए कि तीनों ग्रीन कैंडल है तो 3 ग्रीन कैंडल एक साथ बन सकते हैं आपके। 3 व्हाइट सोल्जर ये है, 3 व्हाइट सोल्जर ये पैटर्न आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ता हूँ मैं, आपसे बन पाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन पाता तो आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं, हम आपको बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। फिर मास्टर कैंडल, अभी एक लास्ट वीक हमने एक इस पर एक वीडियो बनाया था, तो इसको रिपीट करने का कोई खास ज़्यादा सेंस नहीं बनता। नैरो रेंज एक और पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में नैरो रेंज का दिख जाएगा। यदि आपको इसमें बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, OHLC कंपेयर में लेटेस्ट डे की जो बॉडी है, लेटेस्ट डे की जो बॉडी है या हाई लो, इस बार हाई लो लेके चलते हैं, बिलो प्रीवियस डे हाई लो रेंज, और ये नैरोएस्ट कैंडल है जो पिछले 4 या 5 कैंडल में, तो इसमें और कंडीशंस ऐड करते जाइए आपको नैरो रेंज के कैंडल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो
आज का जो कैंडल है कल के कैंडल से छोटा है, बस वो कंडीशन है। और अगर आप इसको लगातार 4 या 5 तक लेके जाते हैं तो आपको नैरो रेंज NR4, NR5, NR7, NR11 जो चाहिए वो बन सकता है। यदि आपको लगता है कि ये बनाने में डिफिकल्टी आ रही है तो जितने पैटर्न्स हैं, जैसे ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग के एक सेपरेट हमारे पास पैटर्न्स बिल्ट इन है, नैरो रेंज का यहाँ बिल्ट इन है, वो यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको खुद को बनाना है, ये जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स है इसमें मज़ा नहीं आ रहा आपको, आपको और अच्छे से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सारे बुलिश पैटर्न्स जितने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वन डे पैटर्न्स, ये सारे भी प्री क्रिएटेड हैं। मगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ स्पेशल है, जो हमारे बहुत सारे यूज़र बोलते हैं इसमें मज़ा नहीं आ रहा हमको खुद को बनाना है, यस सर आप बना सकते हो, ये है आपका टूल, इसमें आप खुद बना लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लेवल पे और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। नैरो रेंज उसी प्रकार वाइड रेंज होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर OHLC स्क्रीनर इन, अच्छा एक चीज़ जो बताना मैं मिस कर गया, यहाँ पे जो ये हैं OHLC के हैं इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अबव बिलो ये तो हमने कवर कर लिया, रेशो ये सब कवर कर लिया हमने। यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 जो मैंने बताया था बेसिक है। इसके बाद कुछ डेराइव फील्ड्स होते हैं, हाई लो रेंज होता है, बॉडी रेंज होती है और कुछ और होता है, अपर विक मतलब हाई और जो भी हाईएस्ट बॉडी रेंज के बीच का साइज है, लोअर विक है उसको कंपेयर कर सकते हैं, ट्रू रेंज को कंपेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कई लोग के लिए। हाई की नाशी के बारे में बताया था, उसका भी ओपन हाई लो रेंज क्लोज भी बना सकते हैं, तो इससे भी आप पैटर्न्स बना सकते हैं। हाई की नाशी के भी रेडीमेड पैटर्न्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कैंडलस्टिक के हैं उसी प्रकार हाई की नाशी के भी यहाँ पे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, राइट। तो काफ़ी डेप्थ है सिस्टम में, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस हिसाब से आपको बनाना है वो हिसाब से बना सकते हैं। इसके साथ आप बाकी भी यूज़ कर सकते हैं कि ये कहाँ बना, 52 वीक लो में बन रहा है अगर आपका एनगल्फिंग बन रहा है या गैप अप बन रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, तो एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एडवांटेज सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई लैग नहीं है, आपको दिख रहा है कि क्या कहाँ एक्शन चल रहा है, राइट। कौन सा है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सिंपल के साथ, सिंपल इसलिए क्योंकि समझना बड़ा सिंपल होता है, डिफ़िकल्ट लगता है यदि आपके साथ बहुत सारे एक साथ बने हुए हैं और कभी कभी इसको चेंज करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो कुछ यूज़र्स को डिफ़िकल्टी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बनाने में हेल्प करेंगे उसके लिए, राइट। तो ये तो बेसिकली था OHLC स्क्रीनर का, इसमें अनलिमिटेड डिस्कशन चल सकता है, बट क्योंकि समय बहुत लंबा वीडियो होगा तो फिर अटेंशन भी थोड़ा सा लूज़ होता है, बट आप लोग के लिए एक्सरसाइज यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, नैरो रेंज बना सकते हैं, मास्टर कैंडल बना सकते हैं, इसमें ट्रेंडिंग कैंडल्स का बना सकते हैं आप, और इसको आप रैली बेस्ड कॉम्बो बना सकते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं, ब्रेकआउट्स बना सकते हैं, बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी बट बना सकते हैं, प्रीवियस रेंज स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं इसमें, ओपन रेंज स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कैप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें आप बना सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको ईजी से ईजी रहे, ताकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हम बना के देते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको चाहिए कि खुद को बनाना है तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है, ओके। और क्या है यहाँ पे, सो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा ये, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, यदि आपको इसमें कुछ और हेल्प चाहिए तो आप इसमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यदि और कुछ और चाहिए प्रोडक्ट के बारे में जानना है, यदि आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कस्टम स्क्रीनर ये जो है इसके बारे में अगर और जानना है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, आपको जानना है और तो नीचे देखेंगे तो ये कस्टम स्क्रीनर के बारे में पूरा वीडियो है। प्रोडक्ट जानने के बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट के बारे में इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो है, कस्टम स्क्रीनर का भी इंग्लिश हिंदी में है, ये वीडियो भी हिंदी में बन रहा है, एक सेपरेट वीडियो इंग्लिश में भी बनेगा अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो, राइट। तो इसमें जो भी और इसके बाद भी अगर आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेमो पे, आपको 1-on-1 सेशन मिल जाएगा। यदि आपको लिख के देना है कोई क्वेरी तो लिख के भी दे सकते हैं यहाँ पे क्वेरी, या कोई फीडबैक देना है तो यहाँ भी दे सकते हैं, या यूट्यूब के नीचे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। यूट्यूब के नीचे फीडबैक देना है जनरली इस टॉपिक पे होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि कोई भी जनरल फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, यहाँ पे आप यूज़ करके दे सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही जल्दी हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और लेके आएंगे जैसे हम लेते आ रहे हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी, टाटा बाय।